रहेंगे, मैं इसलिए कहा कि हमारा एक बिल अभी पेंडिंग है जो पार्लियामेंट में इस सेशन में आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन की अवधि में वो बिल पास होगा और फिर ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा मिलेगा और उसकी प्रक्रिया में भी परिवर्तन आएगा। उस नई प्रक्रिया के तहत मैं समझता हूँ जाट आरक्षण समिति के जो हमारे साथी हैं वो फिर से दोबारा से नए परिपेक्ष में अपनी मांग उठाएंगे, क्योंकि पिछला जो गलती हुई है वो ये हुई कि कांग्रेस के टाइम में जो ओबीसी कमीशन था उसने रिपोर्ट तो हमारे विरोध में कर दी, कांग्रेस ने पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया आरक्षण देने का, वो रिपोर्ट खराब होने की वजह से, हमारे विरुद्ध होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्राइक डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गया। अब ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, अगर ये आरक्षण देंगे तो हम 100% इनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन किसी के सीने पे गोली मारो, किसी को मारने के साथ उसको ये कहो कि तुम देशद्रोही हो, और उन्हीं लोगों के बीच में आकर के आज आप कहते हो कि हम आरक्षण देंगे। पहले तो इन लोगों से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए खड़े होकर के, कि भी हमारी बेकायदगी और गलतियों की वजह से आप लोगों पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, ये पहले माफ़ी मांगे फिर समाज की बात करें। ये समाज के लिए कलंक है, ये केवल और केवल यहाँ राजनीति करने आए थे। अगर ये समाज के हितैषी हैं तो पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह को खड़े होकर के समाज से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जिस सरकार में शामिल है उस सरकार ने 32 इनोसेंट बच्चों को मौत के घाट उतारा था, उसके लिए माफ़ी मांगे। आपने केस वापसी की ये बात की, पद्मावती फिल्म को लेकर बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। इस बार उनके निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पद्मावती फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली रहे। सूरजपाल अम्मू ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस फिल्म को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने फिल्म रिलीज करने को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उनके धैर्य का सम्मान करें और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को रिलीज न होने दें। पहले भी कहा है, पर ममता बनर्जी जो बार बार कह रहे हैं इस पिक्चर को लेकर, ममता बनर्जी को एक सलाह है कि हमारे धैर्य का सम्मान करें और हम लोग जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि फिल्म देश के अंदर ना चले। सूरजपाल अम्मू ने पद्मावती फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली को इशारों ही इशारों में धमकी भी दी। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ क्या किया था ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अम्मू ने कहा कि इतिहास के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जाएगा। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमारा अपमान करेगा, जो हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं का अपमान करेगा, वो आजम खान। अम्मू आज भोंडसी में आयोजित एक महासभा में बोल रहे थे। महासभा में मौजूद करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र कालवी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे पर वो कुछ बोलें। उन्होंने कहा कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। आज गुड़गांव में उद्योग शब्दों में निवेदन करता हूं, सरकारें हमसे है, हम सरकारों से नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी सूरजपाल अम्मू फिल्म को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने हाल ही में संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था।